नई जो महागठबंधन की सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों का प्रयास है कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें, और जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, हम बिहार के लोग फिर से इतिहास रचे, बिहार एक बार फिर से करके दिखाए, एक देश को रास्ता दिखाने का काम करें, और हमारी नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी 2 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और लगता है हजारों के संख्या में लोगों को नौकरियां मिलती है, रोजगार मिलता है। आने वाले समय में प्रत्येक जी ने आपको सारी बात को बता दी, स्वास्थ्य विभाग में अकेले 1.5 लाख नौकरी देगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कोई कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से काम हो। और हम तो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग और उनके संरक्षण में जो हम लोगों ने वादा किया था उसको हम लोग मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत होती है सलाह की या बिहार को एक नया रास्ता दिखाना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। साथ ही साथ आज 2 मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का बेगूसराय और बक्सर में ये सौगात भी लोगों को दिया है, आज का शिलान्यास हुआ है, और लगभग 224 करोड़ का कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। हर एक चीज पर हम लोगों का ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चीज बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ये जिम्मेवारी दी है कि बिहार के हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज का अस्पताल खोला जाए। तो आप समझ सकते हैं जितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा कितना काम लोगों को मिलेगा रोजगार के, जितना कॉलेज खुलेगा अस्पताल खुलेगा उतनी तादाद में हम लोगों को नौकरियां भी देनी पड़ेगी, और तरह तरह की नौकरियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। और ये बड़ा है एक दूरदर्शिता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम सब लोगों को जो है इनको धन्यवाद देना चाहिए, और लगता है लोगों को समय समय पे हमेशा हमारे विभाग को गाइडलाइन दिखाना हो, समर्थन करना हो, इनका हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप सब लोगों को हम पहले भी कह रहे थे कि बिहार मॉडल जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटकर गए, अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो बिहार का जो मॉडल है वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहा है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा काम है जो हम लोगों ने बिहार के लोगों ने नीतीश जी ने जो करके दिखाया, आज बड़े से बड़े लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि भाई हाँ जनता की जरूरत जो है वो बिहार की महागठबंधन सरकार का दिए है। अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला, अब जो वादा किया था उसको काम करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। और आपको कल्पना कीजिए कि भाई केवल इवेंट से मार्केटिंग करके प्रचार करके कुछ लोग कितना भी झूठ बोल करके कुछ दिन रह ले, लेकिन जनता जो है वो मानेगी, वो हर एक चीज को देखती है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। जरूरत जो है देश की
लव होना चाहिए इस काम में हम लोग लगे रहे हैं और आप देख लीजिए आज उनको भी उन्हें ये काम करना पड़ा और ये कोई पहला काम नहीं इससे पहले भी जो हमारा रोड पे कंट्रोल कमांड है उसको भी एनएच ने भारत सरकार ने अपनाने का काम किया है और ये जो आज डिजिटल जो डिजिटल का जो दरियास हुआ है जहां डिजिटली जो है सारी चीजें व्यवस्थित होगी ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार इसको कंट्रोल देखेगी अपनाएगी यानी बिहार जो जो फैसला ले रहा है नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार जो जो निर्णय ले रहे हैं उसी को जो है वो लोग अपनाने का काम कर रहे हैं लेकिन एक बात का सब लोग जानते हैं सब लोग समझ रहे हैं भले ही कह कुछ लोग भारत की आबादी कितना है लगभग 100 करोड़ से ऊपर है वहां 75,000 भारत सरकार का नियुक्ति पत्र दे रहा है बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है उसमें हम लोगों का 23 स्वास्थ्य विभागी 1.5 लाख लोग भी दे रहे हैं तो आप कल्पना कर लीजिए जहां 12 करोड़ की आबादी है वहां गृह विभाग अलग अलग माध्यम के मंत्री के डिपार्टमेंट को बोले शिक्षा विभाग जो है लाखों में देने जा रहा है गृह विभाग लाखों में देने जा रहा है तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग पूरा करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और जनता ये भी जानती है कि कौन असली है और कौन नकली है हम लोग दिल से वादा किया हुआ काम जो है निभा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने तो साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था उस वादे को वो लोग भूल गए लेकिन जनता समझ रही कि भाई नीतीश कुमार जी करते हैं बिहार सरकार जो अपनी दे रही है तो अब हमको भी देना पड़ेगा चाहे दीपावली की ना तो लोग जान रहे हैं कि अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का नकल किया जा रहा है महागठबंधन सरकार का नकल किया जा रहा है और जनता बखूबी जानती है कौन असली है और कौन नकली है इस पर किसी को चिंता करने की बात लेकिन हम लोगों की लड़ाई पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे रही है और आज हम लोग सब लोग उस काम में लगे 2 महीने कुछ दिन हुए हैं सरकार का फिर आज आप देखिए कि लोगों की उम्मीद आशा कितनी बढ़ी है मौजूदा सरकार से और ये विश्वास है लोग विश्वास करते हैं कि नहीं भाई ये जो नई सरकार जो बनी है ये हम लोगों के लिए काम करेगी और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था ये सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करेगी हम लोग पूरी तरीके से कुछ लोगों के लिए काम नहीं करने वाले पूरे जनता के लिए काम करेंगे चाहे किसी समाज के चाहे आगे हो पिछड़े हो अति पिछड़े हो अल्पसंख्यक हो दलित हो महादलित हो सब लोगों को हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे कोई हमारा भाई पीछे ना रह जाए जो अंतिम पैदा का समाज में जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का हम लोगों का प्रयास है सब लोगों के विकास जो है वो हम लोगों की सरकार संकल्पित है सब लोगों का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी रखते आए हैं आगे भी हम लोग सब लोग मिलकर के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे और एक के बाद एक अभी तो 2 महीना में आप देखते थे कई कारणों को जब कर रहे हैं कोई काम नहीं बचेगा और एक तरह से एग्जाम्पल हम लोग सेट करते जैसे हमने पहले कहा कि बिहार मॉडल जो है वो देश अपनाएगा आज अपनाना होगा आगे भी देखिएगा सारे चीजों पर जो है हम लोग विस्तार रूप से जो है हम लोगों का रोड मैप तैयार है उस रोड मैप के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के हिसाब से सारी योजनाओं को हम लोग जो है जनता के लिए जो हम लोग योजना ला रहे हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट हम लोग कराएंगे और ये जनता का राज है जनता का सरकार है और इस पहल को जो है हम लोग पूरी ईमानदारी से हम लोग निभाने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का कुछ कमी जो है वो छूटे ना तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं हम
जितने भी स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हैं उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने भी जो है सारी चीज़ों को देखने का काम किया है और समय पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू किया। इसके लिए आपके जितने अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव जी हों, मुख्यमंत्री हों, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। इसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को झूठा प्रचार करने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं फलाना आ गया। अब आप समझिए, अगर जहाँ लाखों में नौकरिया लोगों में भी एक उदर है और जहाँ नहीं है भी कौन सा राज्य है, तो ये सारी बात जो है लोगों को समझना पड़ेगा। आगे तरह तरह का षड्यंत्र होगा, साजिश होगी, लेकिन उसकी परवाह हम लोग नहीं करते। हम लोगों का विश्वास केवल काम में है, हम लोग अपना काम करेंगे। इसी को कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आगे स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पे हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, दवाओं उपलब्ध हो। अभी 60-60 डे का मिशन हम लोगों ने शुरू किया है, अब तो रिव्यू हम लोग फिर करें उस चीज़ों को, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र मिली है वो सभी कर्मचारियों को हम तहे दिल से आप लोगों को बधाई देते हैं और जितने लोग यहाँ यहाँ ऑलरेडी उपस्थित हैं उन सबको दिवाली और छठ की शुभकामनाएं सभी के परिवार वालों को और देना चाहते हैं। और अपने बात को यही समाप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।